स्वागत है एक बार फिर आपका माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर हम इस वीडियो में आज अगेन जो है स्मार्ट कॉइन के ऊपर बात करेंगे। आप सभी के बहुत सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए जहाँ पे आप लोगों ने पूछा कि स्मार्ट कॉइन से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स का अभी भी अप्रूवल में लोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है और अभी तक वो लोन अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके तरफ से पूछे गए, जैसे कि स्मार्ट कॉइन से कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे टोकन मनी पे करें, कैसे जो है रीपेमेंट करें अगर लोन ऑलरेडी मिला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स जो है आप सभी के क्लियर होंगे। तो प्लीज़ अगर आप भी इन सारे क्वेश्चन से खुद को रिलेट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो पब्लिश होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब मेल और यूट्यूब नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी और आप उस वीडियो को वन टैप में आसानी से देख पाएंगे। ऑलरेडी अगर आपने माइंड सर्वो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिए, उसके बाद जो है अपना ओपिनियन शेयर करिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स हैं माई आंसर बुक के जो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच नहीं करते हैं और वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत बार तो मुझे ये भी देखना पड़ा है कि वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत सारे हेट्स जो है दिखाई देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक वॉच करिए, क्योंकि वीडियो जब भी स्टार्ट होती है और एंड होते समय बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें होती है। ऐसे में अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण आप जो है मिसगाइड होते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेश्चंस को रेगुलरली जो है डालते रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टोकन मनी की। आप स्मार्ट कॉइन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो स्मार्ट कॉइन के आपके अपने एप्लीकेशन के अंदर एक स्मार्ट कॉइन का ऑनर अकाउंट का डिटेल जो है आपको दिखाई देगा। उस ऑनर अकाउंट को अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको वहां पे अपने अकाउंट में जाके उस ऑनर अकाउंट को ऐड करना है। उसके बाद IMPS और NEFT के दौरान आपको पेमेंट पे करना है 10 रुपीज़ या जो भी टोकन मनी आप पे करना चाहते हैं। उसके बाद वो अमाउंट का रेफरेंस नंबर एक जनरेट होता है जो कि 10 डिजिट का होता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको वहाँ पे पुट करना है। ऐसे में ये होगा, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके उस रेफरेंस से आपके उस टोकन मनी को जो है एनालाइज कर पाएगा स्मार्ट कॉइन और वहाँ पे आपका अकाउंट जो है लिंक हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप लोन ले तो स्मार्ट कॉइन जो है ऑटोमेटिकली जो है डिडक्ट कर सके लोन अमाउंट, आप अगर लोन अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ अपडेट टोकन मनी के लिए। अब दूसरा जो अपडेट है, यहाँ पे आप सभी के क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्वेश्चंस मुझसे ये पूछा कि अगर आपने लोन ऑलरेडी ले रखा है तो उसको रीपेमेंट कैसे करें। फ्रेंड्स, अगेन आपको वही चीज अप्लाई करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वहां पे स्मार्ट कॉइन के ऑनर अकाउंट में जो है पेमेंट ट्रांसफर करना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर को जो है आपको नोट करना है और यहाँ पे जब भी आप लोन को पेड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो रेफरेंस नंबर डालना है। ऐसे में आपके उस ट्रांसफर को एनालाइज कर पाएगा स्मार्ट कॉइन और आपके उस लोन को क्लोज कर देगा। जैसे ही आपका लोन क्लोज होगा, नेक्स्ट अपडेट में आपको एक बिगर अमाउंट यानी कि नेक्स्ट लोन जो है आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉइन ऑफर करेगा। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट है, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे जो है रिसीव हुए हैं और आप सभी ने ये पूछा कि स्मार्ट कॉइन पे ऑलरेडी हमने बहुत दिनों से अप्लाई कर रखा है लोन और अभी तक जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप स्मार्ट कॉइन में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन को मिले हुए होते हैं और वहां पे सबके रिक्वेस्ट को वन बाय वन एनालाइज करता है स्मार्ट कॉइन और वन बाय वन जो है लोन प्रोवाइड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप स्मार्ट कॉइन से लोन लेते हैं और उस लोन को रीपेमेंट करने के बाद जब भी आप अगला लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको आपका स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन में आपका लॉक्ड सेक्शन वहां पे दिखाई देता है। बहुत सारे यूजर्स को ये भी देखना पड़ा है कि उनका वो एप्लीकेशन अगले लोन के लिए जो है अगले 8 वीक के लिए लॉक्ड दिखाई देता है। वो इसलिए होता है कि आपके और हमारे जैसे बहुत सारे यूजर्स ने ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन पे लोन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई होती है और वन बाय वन उसे एनालाइज करता है स्मार्ट कॉइन
और आपको वो लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट सही है तो आपको वो लोन मिल जाता है। जब भी आप स्मार्ट कॉइन के अंदर अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो थोड़ा सा वेट जरूर करें, आपके एप्लीकेशन के रिव्यू करने के बाद आपको लोन जो है ज़रूर मिलेगा। बिकॉज स्मार्ट कॉइन आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे यूजर्स को ऑलरेडी लोन दे चुकी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप स्मार्ट कॉइन से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप स्मार्ट कॉइन के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप डायरेक्टली स्मार्ट कॉइन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को जो है पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट कॉइन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अभी, सबसे पहला मेथड आपको ये अप्लाई करना होगा कि जैसे ही आप अपने स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन में इंटर करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस जो है दिखाई देंगे बहुत सारे, वहाँ पे आपको हेल्प सेंटर जो है दिखाई देगा। उस हेल्प सेंटर में जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको मेल आईडी जो है दिखाई देगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेल आईडी दिखाई देगा। चाहे आप तो आप डायरेक्टली वन टैप करके अपने मेल आईडी से इसे अपना क्वेश्चन जो है मेल कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे चैट बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर भी आप डायरेक्टली स्मार्ट कॉइन से चैट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन को रिसीव होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ सकता है आपके उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। फिर तीसरा जो ऑप्शन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन का यूज़र हूँ, मैंने बहुत सारे लोन ऑलरेडी लिए हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने अपने लोन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक लोन जो है लिया हुआ था स्मार्ट कॉइन से और उस लोन को पेमेंट करने के बाद भी स्मार्ट कॉइन ने क्लोज नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने दो तीन मेल जो है स्मार्ट कॉइन को किया और कुछ चैट के ऊपर भी जो है उनसे कन्वर्सेशन करी मैंने, ये बात स्मार्ट कॉइन के एंड से मुझे एक कॉल रिसीव हुआ, वहाँ पे मैंने अपने प्रॉब्लम को रखा और उनसे कंप्लीट बात करी मैंने और वहाँ पे अब उन्होंने सॉल्यूशन जो है कॉल के दौरान मुझे प्रोवाइड की, जो उसके बाद जो है मेरा लोन क्लोज्ड हो गया। इसके बाद मैंने फिर से एक नए लोन के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे डाला है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस नंबर से मुझे जो है कॉल रिसीव हुआ था, मैंने इस कॉल पे कम्प्लीटली बात करी थी। तो अगर आपको भी कोई भी इशू है इस तरीके का तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये कुछ टर्म्स जो है आपके साथ शेयर किए और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जिनको रिक्वायरमेंट है इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपने अभी तक माई इंसर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।